subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. Hello and welcome to Inside Out. My guest tonight is Atiqur Rahman. He is a CSR activist, CEO of Coastal Pakistan. Many thanks for being here on the show, sir. I'm so glad to be with you. Thank you. Okay, let's start with what is a CSR activist? Have you started? I mean, I looked for a lot of stuff. Bade abbreviations aa rahe the. Aap hi hamare nazreen ko bataein ke hota kya hai. CSR is basically an activity. Which is called corporate social responsibility, and the corporate social responsibility has got a new dimension in Pakistan. It has got a new introduction in Pakistan. It's not been a while that it has come. ज़्यादा पुराना नहीं है और मेनली इसमें यह है कि ये corporate social responsibility is a kind of a fund allocated by the corporate sectors, mostly multinationals or the financial institutions or the bigs. Doing business in Pakistan, large scale manufacturing, they contribute a share out of their profit for the contribution of the society, for the betterment of the society. Who do they contribute to? Sabse pehle to they have to contribute to their staff, look after the staff, well-being of the staff, their families, and then comes the society. And when that comes to the society, that means they have to contribute. They have decided to contribute. In effect, I must say like that. To help the health services and to help the education promotion and growth in Pakistan. तो कोई एक amount allocated होती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसका कोई amount. या जो जिसका जॉनसी दिल चाहे amount allocate नहीं होता. In fact मैं आपको थोड़ा सा इसके background पे लेकर जाऊँगा. CSR पहले पाकिस्तान में इतना ज़्यादा famous नहीं था, लेकिन अब जब उसकी realization हमने करवाई और CSR अपनी एक formation में आया, तो कोई 5% को 3% of their profit इसमें एलोकेट करता है, उसमें से वो हिस्सा निकालता है अपनी प्रॉफिट का और वो पैसे निकाल कर वो उसमें करता है. इसके 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली. पहले एक ही सेक्शन में जा रहा था, हेल्थ सेक्टर की में जा रहा था, तो हमने उसको रोका और हमने कहा कि नहीं, इसकी थोड़ी सी डिवीजन चाहिए क्योंकि हमारे एजुकेशन भी बड़ी डिलेपिडेटेड स्टेट में है, तो उसमें गुड एजुकेशन देने के लिए हमें उसका एक हिस्सा एजुकेशन पे भी चाहिए, तो वो फिर एजुकेशन पे तो भी. क्या आपका बोर्ड है क्या? नहीं है? कोई बोर्ड नहीं है, ये एक बाय विल होता है, ये कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन दुनिया में कानून बन रहा है कि CSR एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं उनको अच्छा समझा जाता है और उनको एक वैल्यू दी जाती है. हमारे मुल्क में भी वो चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन स्टिल जो भी CSR कर रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो पैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है. और ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप कहते हैं कि ये अदारा अगर इतने काम कर रहा है और इतनी मेहनत से ये पैसे भी कमा रहा है, तो उस पैसे में से वो एक हिस्सा उन लोगों के लिए, अनप्रिविलेज और अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए निकालता है जो हेल्थ सर्विसेज या एजुकेशन अवेल नहीं कर सकते. बार बार हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन पे बात हो रही है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फंड है, जो हेल्पिंग फंड है, जो निकाला जाता है उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो NGOs होते हैं या जो अदारे या हॉस्पिटल्स होते हैं या एजुकेशन होते हैं. किसी का क्लासरूम बनवा दिया, किसी के हॉस्पिटल का कोई ICU बनवा दिया, किसी का एक खास डिपार्टमेंट बना, इसके अलावा कहीं दवाइयों का इंतजाम है. अब CSR समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ. देखिए ये बात इस तरह समझ में आएगी कि जैसे मेरा इदारा है AMTF, ऑल मैनकाइंड शुड बी थैलेसीमिया फ्री. हमारे मुल्क पर थैलेसीमिया पर इतना काम नहीं होता, और बात जब थैलेसीमिया की निकली है तो मैं आपको बता दूं कि थैलेसीमिया पे काम नहीं होने की वजह से ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज़ है. माँ बाप की गलती से ये बच्चा पैदा होता है, ये ब्लड डिसऑर्डर का बच्चा होता है, ये परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल होता है. इस पर 20,000 से लेकर 1-1.5 लाख रुपये महीना खर्च होता है. लोग गरीब हैं हमारे मुल्क के, 8-18 हज़ार की सैलरी होती है, वो कैसे इस बच्चे को ज़िंदगी दे. तो जैसे हमारा इदारा है AMTF, वो इन बच्चों को ज़िंदगी देता है, और सो मच सो कि इस रीजन का वो वाहिद अदारा है जिसके पास अपना ICU भी है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप जानती हैं ICU की कॉस्ट कितनी ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी तो ये सारे CSR फंड से, और अपना ब्लड बैंक भी है, तो ये CSR फंड्स आते हैं, ये सपोर्ट आती है, इसको CSR सपोर्ट कहते हैं, उससे ये अदारे चलते हैं. CSR समझ आ गया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, दे टेकिंग डोनेशंस. हु डिसाइड्स कौन सा इदारा कितना? बहुत अच्छा सवाल आपने किया. ये ट्रांसपेरेंसी की बात है, अपने आप को आपको प्रूफ करना पड़ता है. आप जब किसी इदारे में एक एप्लीकेशन देते हैं और एप्लीकेशन देने के बाद आपको वो अपनी लिस्टिंग में ले लेते हैं कि आपके इदारे को उन्होंने सपोर्ट करा, तो उनकी पूरी एक स्क्रूटनी होती है जिससे वो उस प्रोसेस से उसको गुजरता है. देखना होता है कि वो पैसा नाजायज़ तो खर्च नहीं हो रहा, जिस चीज़ के लिए ले जा रहा है उसी पर खर्च हो रहा है, और अगर वो ऐसा ही है तो फिर आपको वो हेल्थ सर्विसेज के फंड्स मिलते हैं. मैं एक बात कहना चाहूँगा कि
प्रोग्राम में ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो हेल्थ सर्विसेज का गवर्नमेंट की तरफ से बजट है वो बड़ा नेग्लिजिबल है, 1%। उस 1% पे आप पूरी कौम का कैसे इलाज करेंगे? 80% तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और सैलरीज निकालने में निकल जाता है, 0.20% पे आप क्या किसी का इलाज करेंगे? जबकि इलाज बहुत महंगा है, तो फिर गरीब इलाज नहीं करा सकता, और गरीब ही इस मुल्क का मेन शहरी है। जब वो इलाज नहीं करा सकता तो क्या वो मर जाए? क्या हेल्थ सपोर्ट उसको नहीं मिलेगा, या वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता? तो ये CSR फंड्स ही हैं जो आते हैं इन अदारों को। पर आपने जवाब नहीं दिया कि कौन डिसाइड करता है CSR फंड्स को कैसे एलोकेट करें। CSR डिविजन्स होते हैं हर अदारे में, वो पूरे के पूरे जिस तरह दूसरे परचेजिंग, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ तो बेसिकली रिश्तेदारियाँ और यू नो गुडविल और जान पहचान से फंड्स, थोड़ा सा यहाँ ज्यादा दे दिया, थोड़ा सा यहाँ ज्यादा दे दिया। आपके यहाँ क्या होता है? देखिए मेरे यहाँ से मुराद ये है कि ये पूरे मुल्क की बात हो रही है। लुबना में आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि करप्शन जरूर है हमारे मुल्क में, और करप्शन की एक स्टेप इतनी ज्यादा हो गई कि मैं उसको क्रोनिक करप्शन भी कहता हूं। इट इज क्रोनिक, आई एग्री विद यू। लेकिन हमारे जो मल्टीनेशनल्स हैं या कॉर्पोरेट बॉडीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे इफ एंड बट एंड फेवर्स नहीं है, वहां पे बहुत सीरियसली हर चीज को लिया जाता है। How do you ensure that it is a transparent dispensation of funds? जिस तरह उस अदारे को काम करते हुए देखा जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, इसी तरह इन फंड एलोकेशंस की एक लिस्ट आती है सामने जो ट्रांसपेरेंट होती है। पता होता है कि आप एक मिस्टर एक्स अदारा है, मैं मिस्टर वाई अदारा हूँ, हम किस तरह किसको फंड दे रहे हैं, और उससे वो फिर पता लगता है कि उससे उसको फायदा क्या हो रहा है। अच्छा, तो जब फंड एलोकेट हो जाते हैं, मीनिंग आपका जो अदारा है इट्स हेल्पिंग थैलेसीमिया पेशेंट्स, उसके चेक्स और बैलेंसेस कैसे रखे जाते हैं? उसके प्रॉपर अकाउंट्स हैं, जो भी आता है जिसकी तरफ से पैसा, वो स्पॉन्सर अ चाइल्ड आता है या स्पॉन्सर अ बेड आता है या स्पॉन्सर दी मेडिसिन आता है, वो पूरा हिसाब उनको हर वक्त दिया जाता है और वो कंप्यूटर पे उनके लिए मौजूद होता है, जिसकी वजह से इतनी ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग एनकरेज हो रहे हैं। अदारा 25 बच्चों से शुरू हुआ, एक एग्जाम्पल, CSR की फंडिंग इतनी हो गई अब उसको कि 824 बच्चे अब उसके ऑलरेडी उसके रजिस्टर्ड हैं जी, 824 बच्चे, और फिर ICU है, ब्लड बैंक है, सारा कुछ है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यू वर फॉर्मली चेयरमैन बैंकिंग इंश्योरेंस सब कमेटी ऑफ KCCI। अच्छा, बिफोर आई आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस, जरा नाजरीन को वापस बता दें कि KCCI है क्या। जी, KCCI स्टैंड्स फॉर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये दुनिया का 8वां बड़ा चैम्बर है और द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। ओके, सो लेट मी गो गेट टू द क्वेश्चन नाउ। चेयरमैन बैंकिंग, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इस्लामिक बैंकिंग? एक्सीलेंट। इस्लामिक बैंकिंग इज अ मिरेकल। अच्छा, एंड इस्लामिक बैंकिंग इज सच अ बैंकिंग जहां जिस बैंकिंग पे जब कन्वेंशनल बैंक इस्लामिक बैंकिंग में गया तो उसके बरकत ही आई है और तरक्की हुई है। अच्छा। और जहां पे उनके एसेट्स खराब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बैंक है, इसका नाम नहीं लूंगा, कल ही हम एक बहुत बड़े शरिया एडवाइजर्स का कोर्स अटेंड कर रहे थे, तो उसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा सामने आई वो ये थी कि एक बैंक था जो कन्वेंशनल बैंक था, और कन्वेंशनल बैंक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और वो उसको सेल कर रहे थे और ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने उसको कहा कि आप इसको इस्लामिक बैंकिंग में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते। ये कोई इमोशन की बात नहीं है, ये फैक्ट की बात है, ये सारी दुनिया के सामने फैक्ट है। जब उसको उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट किया तो उसके एसेट्स मल्टीप्लाई होना शुरू हो गए। तो इस्लामिक बैंकिंग इज अ मिरेकल। और मैं आपको बताऊं कि वेयर वाज इस्लामिक बैंकिंग फॉर्मुलेटेड सर? इस्लामिक बैंकिंग का जो बेस है वो बेसिकली आपको सुन के हैरानगी होगी कि वो गैर मुसलमानों के पास है। हमारे ज्यादातर जो बैंकिंग इस्लामिक हो रही है उसको ज्यादातर सर्व्स मी करेक्ट, इट वाज लंदन इज द लंदन इज लंदन इज द बेस टू हैव द मनी ऑफ द अरब्स प्लेस्ड देयर। Please continue, because you see, I don't understand ke I will not agree with you, the money of the Arabs to be placed in the banks, the Islamic banking was created. No, okay. Arabs even place their money in the conventional banks. Yeah, most of the conventional banks in our country. But you see, they needed the halal form of banking, you see, and jo mere ko pata hai. Islamic banking is a Sharia compliant banking. Achha. And how does Sood comply with Sharia, koshish, sir? Koshish ho rahi hai, koshish ho rahi hai. ट्रैक पर डाल दिया है, अभी ट्रेन चलनी शुरू हो गई है और टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। कब से चल रहा है इस्लामिक? पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग 8-10 साल से जा रहा है, एंड द ग्रोथ इज वंडरफुल, ग्रोथ इज वंडरफुल। और उससे 10 साल पहले लंदन में इनिशिएट हुआ था, तो बेसिकली आपको सुन के हैरानगी होगी, 20 साल। आई मस्ट ऐड, पेरिस इज द बिगेस्ट इस्लामिक सेंटर नाउ। ओके, आई एम ग्लैड फॉर देम, बट कहते हैं ना, अब
क्या फॉर्मुलेट करना है कि सूद नहीं लेना, सूद देना नहीं है, क्या करना है फॉर्मुलेट? बस रिबा से बचना है, सूद से बचना है, उसके लिए जितने भी रास्ते हैं वो इख्तियार करने की कोशिश करिए। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग इज अ बैंकिंग, बैंकिंग इज रिलेटेड टू सूद, हाँ बैंक, बट इस्लामिक बैंकिंग इज रिलेटेड नॉट टू रिबा, नॉट टू सूद, नॉट टू इंटरेस्ट। अच्छा, इट इज नो cannot be, it is, the motive is profit. Of course. It is a equity based economy. अच्छा. Asset based economy. जहाँ assets होते हैं, assets बढ़ते हैं, मुनाफे बढ़ते हैं, assets कम होते हैं, मुनाफे कम होते हैं. तो Islamic banking आगे जाती है. कर रहा है Islamic banking? Islamic banking आगे जाता है with assets. अच्छा. दूसरी banking आगे जाती है without assets. अच्छा. Speculations, manipulations, expectations. I understand. तो ये सारे differences हैं। अगर हम इसमें जाएंगे तो ये बहुत लंबी एक technical discussion हो जाएगी और ये हमारा Islamic banking of course program नहीं है जिसमें मैं conventional और Islamic का difference। नहीं, I have to ask you another very important question, but I have to go on to a break, sir. We'll be right back. Hello and welcome back to Inside Out. I'm here with Atiqur Rahman. Atiqur Rahman sir, before we went on to the break, हम इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे थे। अब मुझे समझाएं एक बात, इस्लामिक बैंक्स आल्सो गिव कार्स टू पीपल टू बाय ऑन लीज। अब मुझे एक बात बताएं, उस पे सूद जायज है? नहीं, देखिए सूद की बात नहीं हो रही, मैंने आपको भी बताया 18% 20% द सेम रेट एज रेगुलर बैंक। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम नॉट हेयर टू डिफेंड इस्लामिक बैंकिंग, मैं आपको सिर्फ सिंपल बात बता रहा था कि इट इज ऑन द ट्रैक नाउ, उस ट्रैक पे वो चल पड़ा है। कुछ चीजें तो बैंक खोले क्यों, कैसे खोल सकते? देयर इज नो हलाल फाइनेंसिंग, गिव मी एन एग्जांपल सर ऑफ हलाल फाइनेंसिंग। हलाल फाइनेंसिंग, जब कोई आपको पैसे देगा उस पे हलाल फाइनेंसिंग क्यों देगा, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए? देखिए इंटरेस्ट जो होता है ना वो फिक्स होता है जी। विद इस्लामिक बैंकिंग यू डोंट हैव एनीथिंग फिक्स एज सच। अच्छा, ये बट इंटरेस्ट तो लेंगे, ये कमती बढ़ती होता रहता है, गुडविल से वो अमाउंट वापस नहीं लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, उसको प्रॉफिट कहते हैं, उसको प्रॉफिट कहते हैं। इस्लामिक जो मुझे समझ आया, आपका आपने किसी से 2 रुपए लिया, आप 10 साल बाद अगर कारोबार में नहीं लगा रहे आपको 2 रुपए वापस दे देंगे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और बिजनेस में आपको उसमें ऐड करके देने जो है वो प्रॉफिट है, वो कभी नुकसान भी हो सकता है, वो बढ़ सकता है और वो वेरी करता है, कमती बढ़ती होता है। बैंक नुकसान लेता है इस्लामिक बैंक्स? वेल, कोशिश तो यही की जाती है कि नुकसान ना दिया जाए, ना लिया जाए। और जो फिक्स है ना, जो कन्वेंशनल है, वो फिक्स है, इसलिए वो इंटरेस्ट है। इस्लाम में फिक्स नहीं है ये चीज, दिस इज नॉट अलाउड। ऑलराइट, वी विल मूव ऑन। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, जो आपने अभी पहले बताया था। मुझे बताएं थैलेसीमिया होता कैसे है? रिश्तेदार एक दूसरे से शादी? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी, बड़ा सिंपल है कि ब्लड टेस्ट करा, हमारे हमारे जो जीन्स हैं उसमें एक जीन होती है जिसको आप कहते हैं माइनर, और वो माइनर से माइनर की जब शादी हो जाती है तो मेजर ऑटोमेटिकली पैदा होता है। वो माइनर जीन की, टू माइनर जीन्स कैरिंग द माइनर जीन्स, द माइनर जीन्स, ठीक है। अच्छा, इसका तरीका क्या है कि इसका दुनिया में स्क्रीन किया जाता है और शादी से पहले अगर टेस्ट करा रहे तो पता चल जाएगा कि माइनर की माइनर से शादी नहीं होनी चाहिए, तो पता चल जाएगा कि दो माइनर्स तो नहीं शादी कर रहे आपस में। अगर माइनर की माइनर से शादी होगी तो चांसेस आर देयर दैट द मेजर विल कम, एंड द चांसेस आर फ्रॉम 25-50% चांसेस, एंड दैट मेजर इज अ सोशल लेवल इन द हाउस, इज अ परमानेंट गेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। उसका खून बार बार टूटता है, सूखता है, आपको उसको ब्लड देना पड़ता है। जब आप उसको ब्लड देते हैं तो वो ब्लड जो उसकी जिंदगी बना रहा होता है वही ब्लड उसके अंदर आयरन तो को सोशल अवेयरनेस कैसे पैदा कर रहे हैं? हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जब आप 16 साल की लड़की का रिश्ता लेने जाएं उसका ब्लड टेस्ट और ब्लड ग्रुपिंग थैलेसीमिया माइनर का कैसे आप ऐसा कोई जुर्म तो ऐसे कोई जुर्म तो नहीं है। देखिए, अगर हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हम एक लड़की का टेस्ट नहीं करा सकते या उसके वो हाँ, तो उसमें ये है कि हम ये कहते हैं कम से कम एक सेफर वाइट लुक बियर्ड। आप ईरान में देखिए पूरी की पूरी नस्ल को उन्होंने, पाकिस्तान हैज इट्स ओन कल्चरल बिहेवियर। नहीं तो ईरान दूर तो नहीं है, सऊदी अरब भी दूर तो नहीं है। जहेज मांगना उनको वियर्ड नहीं लगता, ब्लड टेस्ट कराना वियर्ड लगता है। बिल्कुल, अब आप देखिए यूएई ने अपनी पूरी की पूरी नेशन को, अपने तमाम को जो है ना वो क्या कहते हैं किया हुआ टेस्ट किया हुआ सारा। तो इसी तरह हमको पाकिस्तान को अगर थैलेसीमिया फ्री बनाना है, हम बच्चों को जब पैदा होते हैं जैसे इंजेक्शंस मैंडेटरी हो गई हैं, आई मीन
Can't we just do a mandatory test and immediately you will find out कि thalassemia minor है कि नहीं है? वो भी होता है. जैसे हमारे को पता है when we are born that we are O positive, B positive. मैं आपको बताता हूँ. प्रेगनेंसी के दौरान भी ये ये इसका होता है जी, मेडिकल ऑरियंटेशंस होती है. तो व्हेन यू फाइंड आउट इफ अ चाइल्ड इज, अगर वो पता चल जाता है कि अगर है तो फिर आप अबॉर्ट कर दें, अबॉर्ट कर लें 2 महीने के अंदर इसकी. ठीक है, इसके बाद देन यू हैव टू गिव लाइफ. और फिर जब वो लाइफ आ जाती है तो आप उसको ना फेंकें कहीं, डिस्ट्रॉय ना करें, उसे उन सेंटर्स पे लाएं जहां पे ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन. अच्छा, मैं एक बात आपको बता रहा था जो बड़ी जरूरी है कि जो ब्लड जिंदगी दे रहा होता है जिसको आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, जो 2-3 बार बच्चे को ब्लड रखता है वही ब्लड उसकी जिंदगी खाता भी है, क्योंकि जो आयरन लोड्स हैं वो हमारे एक आम इंसान से कहीं सैकड़ों गुना ज्यादा उसके अंदर आ जाते हैं. और कुदरत ने हमारे अंदर कोई निज़ाम ऐसा नहीं बताया कि जिससे वो आयरन लोड निकल जाए. तो उन आयरन लोड्स को किल करने के लिए, चिल करने के लिए फिर उसको लाइफ सेविंग मेडिसिन भी खानी पड़ती. तो वो बच्चा जिसका खून सूखता है उसको खून भी दिया जाता है महीने में 2-3 दफ़ा, और वही खून के साथ जो उसको आयरन लोड्स बढ़ जाते हैं उसके लिए उसको लाइफ सेविंग मेडिसिन लेनी पड़ती. इस दौरान उसको ये आयरन उसके हार्ट अटैक्स में जाता है, उसके चेस्ट को खराब करता है, उसकी किडनीज को बर्बाद करता है. तो बच्चा हर वक्त परेशान होता है. और बार एक्सपेक्टेंसी क्या होती है ऐसे बच्चों की? पहले 6-7 साल होते थे, लेकिन जिस प्रोटोकॉल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर्स में इनका इलाज हो रहा है और इनकी दिग्गदाश हो रही है, तो मैं देखा है कि हमारे बच्चे तो MBA भी कर रहे हैं. एक बात कहना जरूरी है यहाँ पे, प्लीज 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 एक बात जो जरूरी है, कौम को मैसेज देने का एक टाइम मिला है आपके चैनल के थ्रू, जो मैं करोड़ों दफा देता रहता हूँ सुबह शाम किसी ना किसी चैनल पर बैठा, बात घूम के आती है कि प्लीज शादी से पहले टेस्ट जरूर करा लें, इसकी अवेयरनेस रख लें, और प्लीज ये आप थैलेसीमिक मेजर से बचें, आप वरना सोसाइटी में कहीं के नहीं रहेंगे. इसका एक एग्जांपल है कि आप बच्चे के लिए खून लेने चाचा के पास, मामू के पास, फूफो के पास जाते हैं, एक दफा वो खून देते हैं. अब अगर आप उनको ईद मिलने भी जा रहे हैं तो कन्नी काट देंगे, यार लास्ट वीक तो खून दिया था फिर खून लेने आ गया, हालांकि वो खून लेने नहीं गया, वो फूफो को मिलने गया. यहाँ तो एक तो खून देने में प्रॉब्लम होता है लोगों को कि हम कमजोर हो जाएंगे, हमारा खून कम हो जाएगा. आप जरा ये थोड़ा सा नाजरीन को बता दें कि हाउ फास्ट द बॉडी रिप्लेसेस द ब्लड दैट यू डोनेट. 3-4 महीने के अंदर ब्लड देते रहे आप तंदुरुस्त रहेंगे. ब्लड देना एक नेमत है, बरकत है, इबादत है, और ब्लड देने से आप खराब नहीं होते, आप ज्यादा तंदुरुस्त होते हैं. आप एक दफा ब्लड देते हैं आप 3 किस्म के लोगों की जान बचाते हैं, ब्लड डिसऑर्डर थैलेसीमिक बच्चों की जान बचाते हैं, आप बर्न्स की जान बचाते हैं, आप डेंगू शायद कैंसर के बच्चों के साथ भी काम करते जी. मैं काम व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शौकत चिल्ड्रन कैंसर, वंडरफुल जॉब, वंडरफुल जॉब शौकत खाना जी. देखिए बहुत एक्सपेंसिव है कैंसर मेडिसिन, बहुत एक्सपेंसिव है. और एक बात जो आपने कही, तो मैं चिल्ड्रन कैंसर में काम करता हूँ, बच्चों का कैंसर क्योरेबल है, बड़ों का कैंसर ठीक नहीं होता, बच्चों का कैंसर खराब. देखिए खुद उल्टी सीधी चीजें खाना और फिर बच्चों को भी खिलाना, उनको मुंह का कैंसर पैदा करना, ये हमारे यहाँ आम है. मैं आपको एक बात बता दूं, थैलेसीमिया का बच्चा तो माँ बाप की गलती से पैदा होता ही है, लेकिन एक बच्चा तंदुरुस्त पैदा हुआ है, आप उसको छालिया और दूसरी चीजें खिला रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, खुद भी खा रहे हैं, आप उसको कैंसर लगा रहे हैं, कितना महंगा इलाज है, किस मुश्किल से वो बेचारा अपनी जिंदगी में वापस आता. ये सब कौम को ख्याल करना चाहिए, जहालत के उस रास्तों से निकल कर अब रोशनियों की तरफ जाने की कोशिश करें. हमारे इलाजों के रास्ते नहीं है, मौके नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है. अब बीमारी अच्छी चीज नहीं, अल्लाह बचाए, इलाज यहाँ अवेलेबल नहीं है इसका. ये इलाज इस CSR जिससे बात शुरू हुई थी और वो NGO जो मिरेकल हैं, जो काम कर रहे हैं, ये सब उनके थ्रू मैसर आ रहा है. वरना मैं फिर वही जुमला रिपीट करूंगा, लेकिन जरूरी है रिपीट करने के लिए, कि अगर हमारे यहाँ ये सारा कुछ ना हो, ये फैसिलिटीज अवेलेबल, तो गरीब का इलाज नहीं हो सकता, वो मर जाए. क्योंकि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ये जिम्मेदारी पूरी करना तो क्या करे सर. सही, गरीब गरीब मुल्क है, लोन लेते हैं, आई मीन सेक्युलर डेट घुमाए. अब सेक्युलर डेट पे बात आ गई तो मेरा इकोनॉमिक का टॉपिक आ गया. अभी हम लोग एक डेट सर्विसिंग पे गए हैं और वो डेट सर्विसिंग ये थी कि हमारे पास $8 बिलियन थे रिजर्व में, उसमें से हमने विथ इंटरेस्ट जो लोन लिया हुआ था उसमें से $7 बिलियन पे कर दिए. अब $1 बिलियन से हम अपने रिजर्व पर क्या करेंगे? थैंक्स गॉड टू दोज रेमिटेंसेस जो आ गए, तो हमारे रिजर्व का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, वरना तो हम मुसीबत में थे. अच्छा, ये आपने फॉर्मेशन ऑफ अ 5-बेड स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर का जो नहीं थैलेसीमिया का एक्सक्लूसिव ICU है मेरे पास जी, जो इस रीजन में आयशा मंजिल पे हमारा हॉस्पिटल है AMTF के नाम से. और इस रीजन में मैं बता दूं, इस पूरे एशियन रीजन में किसी के पास थैलेसीमिया का एक्सक्लूसिव ICU नहीं है. व्हाई इज थैलेसीमिया सो क्लोज टू यू योर हार्ट?
I don't know. आपने कोई बच्चा देखा है सफर करते हुए, या कोई घर के अंदर है, या कोई रिश्तेदार है? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस मुल्क में पोलियो का इलाज है, इस मुल्क में टीबी का इलाज है, इसमें लेप्रोसी है, सब मतलब इसकी अवेयरनेस है, उसका इलाज है। थैलेसीमिया की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, और ये ध्यान नहीं होने की वजह से मैं लुबना आपको बताऊं, 8000 थैलेसीमिक मेजर ड्रैगन्स हम अपनी पॉपुलेशन में हर साल ऐड कर देते हैं। Wow. 8000, अब उनको कम करने के लिए मैं तो मर गया हर जगह जाके ये बातें करके, लोग सुनते नहीं, समझते नहीं, वही करे जा रहे हैं। तो ये आपका जो हॉस्पिटल 5 बेड का है, ये 5 बेड का आईसीयू आयशा मंजिल सदर में जो आयशा मंजिल है, फेडरल बी एरिया, फेडरल बी एरिया में। नहीं, मैं थोड़ा सा नाजरीन को बताना चाहूंगा कि जो भी देख रहे हैं कि आप अगर उनने आपको AMTF का नाम याद रखे, सब जानते हैं, कोई न्यू बॉर्न थैलेसीमिया माँ बाप की गलती से आ जाए तो जरूर जाके उसको वहां रजिस्टर करा लें, और कोशिश करेंगे कि हम किसी को मना नहीं करते, हालांकि हम पर बड़ा लोड है, बजाय इसके कि थैलेसीमिक बच्चे कम हो, वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग सुनने को तैयार नहीं, लेकिन हम क्या करें, इन बच्चों की जिंदगी हमें बहुत प्यारी है, हम इस क्षमा को जलाए रखना चाहते हैं कि ये बच्चे जिंदा रहें। अच्छा, ये आप यू आर एक्चुअली वेरी बिजी मैन, जो मैं पढ़ के आपके साथ बैठी हूँ, आप लॉजिस्टिक्स में भी कहते हैं ना इन्वॉल्व है, यू आर आल्सो द सीईओ ऑफ कोस्टल पाकिस्तान। देखिए, लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में मैं एक्चुअली इन्वॉल्व हूँ, कि रिस्क हलाल तो सबने कमाना होता है, और मैं बिजनेस मैन हूँ और प्रोफेशनल हूँ, तो मेरा प्रोफेशन जो है वो सप्लाई चेन सॉल्यूशंस है, जिसमें मेरा मेजर जो है वो वेयर हाउस डेवलपमेंट है। अच्छा। हमारे यहाँ स्टोरेज स्पेसेस मुल्क में कम है, अगर स्टोरेज स्पेसेस नहीं बनेंगी जिस हिसाब से बननी चाहिए, और पर्पस बिल्ड वेयर हाउसेज नहीं बनेंगे, और टेम्परेचर कंट्रोल पे आगे पीछे नहीं है वहाँ? नहीं, वो है, लेकिन वो गोडाउन्स हैं, वो पर्पस अच्छा। बिल्ड वेयर हाउसेज जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं इंटरनेशनल, उसके से बनने चाहिए, तो वो जरा कम बन रहे हैं, और जब वो बन जाए तो स्टोरेज स्पेस हमारे यहाँ काफी चाहिए, स्टोरेज स्पेस बिल्कुल उसी स्पेसिफिकेशन की चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इज नाउ इंपोर्टिंग एवरीथिंग। आपने ट्रेड डेफिसिट की बात कर दी, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी एक्सपोर्ट, पाकिस्तान इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, इट इज नाउ ओनली इंपोर्टिंग। अब क्या हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं और इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हेवी होता जा रहा है, और हमारे इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वी नीड स्टोरेज स्पेसेस टू प्रिजर्व। एक और वजह है जो प्रिजर्व की है, कि माशाल्लाह हमारे मुल्क में फल और सब्जियां इतनी जबरदस्त पैदा होती हैं, अगर हम सिर्फ अमरूद की मिसाल ले लें, कीनू की ले लें, आम की ले लें, तो हम उसका 20% खा पाते हैं, बाकी सब हम फेंक देते हैं, और वो सब अगर वो हम उनको प्रिजर्व करने में कामयाब हों और उनको एक्सपोर्ट करने में कामयाब हों, तो वो तभी होगा जब हमारे पास कोल्ड स्टोरेज या टेम्परेचर कंट्रोल वेयरहाउसिंग होगी, हम उनको प्रिजर्व करेंगे, और जब हम उनको प्रिजर्व कर लेंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। रेफर कंटेनर, जी हाँ, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं, लेकिन थोड़ा सा उनकी कुछ यहाँ पे क्लासिफिकेशंस भी होती है जो कंपोजिशंस करनी पड़ती है, जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द विलेज टू द पोर्ट, इट टेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बर्बाद है, कोई ध्यान नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, और अगेन ये भी बड़े अफसोस की बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और शिपिंग भी बड़ी डिस्टर्ब है, कंटेनर्स ले जाते हैं मार्केट्स में, भरे भरे कंटेनर ले जाके सड़कों को बंद करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, सीधे ब्लॉक कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो जो कंटेनर्स जरूरत होती है उन एक्सपोर्ट्स के लिए, तो वो जहाज कॉलम नहीं करते, आपके पास वो माल तैयार नहीं होता, वो क्यों आए इस पोर्ट में, वो दूसरे पोर्ट पे निकल जाते हैं, आपका माल जब फिर आप एकदम से माल का लोड डालते हैं तो कंजेशन हो जाता है पोर्ट में, फिर वो कहते हैं कि हमारे लोड से ज्यादा है, तो फिर वो कॉलम नहीं, बड़ी डिस्टर्ब है शिपिंग, टाइम पर माल नहीं मिल रहा उन जहाजों को जो इस पोर्ट पे आते हैं, और जब उनको माल नहीं मिल रहा तो वो एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा उसका नुकसान पड़ रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस को बहुत तरीके से डेवलप करें, वो एक ही तरीके हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, अच्छी सड़कें बने, अच्छे ट्रक्स आए, अच्छे लोडिंग अनलोडिंग कैपेसिटीज हों, स्टोरेज स्पेसेस हों, तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सब कब होगा कुछ पता नहीं। फॉर कहते हैं ना द प्रॉस्परस पाकिस्तान, आई मीन जो आप बातें कह रहे हैं वो बेसिकली कॉमन सेंस की बात है कि यू नो बेहतर पाकिस्तान के लिए ये जो आपने 4-5 चीज़ें कही हैं दे आर
absolutely necessary. I mean, I wish I had more time to talk to you, Atiqur Rahman sahab. It is a pleasure. एक बात कहने की सिर्फ इजाजत दीजिएगा. हमने इतनी diversified conversation की, कभी हम thalassemia की बात करें, कभी logistics की बात करें, कभी Islamic banking की बात करें, कभी हमने CSR की बात की. ये सारी चीजें इकट्ठे होकर सिर्फ एक ही बात बताती हैं कि वी हैव टू बी सिंसियर विद आवर नेशन. हम जो कुछ भी करते हैं प्रोफेशनली करना चाहिए, नॉन प्रोफेशनली मजाक में अपनी जिंदगी को ना गुजारें. वी आर अ सीरियस नेशन, हमें मजीद सीरियस होना होगा एंड वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट. एंड यू आर अ लिविंग एग्जांपल के सब कुछ कर सकता है एक इंसान. कारोबार, सोशल वर्क, आई मीन यू आर माशाल्लाह से अ वेरी वेल अकम्प्लिश्ड पर्सन. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो. दैट्स ऑल फॉर नाउ. अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू वर वॉचिंग इनसाइड आउट विद लुबना. टेक केयर, बी गुड, बाय बाय.